असल प्रेम कहानी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अधूरी रही जाती है, और कहा यह भी जाता है कि वो प्रेम ही क्या जो पूरा हो जाए, और शायद अधूरी रह जाती हैं इसीलिए वो प्रेम कहानियां कहलाती हैं, क्योंकि अधूरी चीज़ों को ही लोग याद रख पाते हैं। अगर पूरी हो जाए चीज़ें तो कहाँ कोई उसको याद रख पाता है। आज मैं जो लव स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ इस शो के अंदर, ये लव स्टोरी शायद कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। इसके साथ कई सारी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में एक अलग ही एहसास रखती है। हर लव स्टोरी को हम ये जानते हैं कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों में बेहद प्यार होता है, या तो वो मिल जाते हैं या फिर आंखों में आंसू लेके जुदा हो जाते हैं। पर इस लव स्टोरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसी लव स्टोरी है जिस लव स्टोरी की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन इस लव स्टोरी ने धीरे धीरे सब कुछ खत्म करते करते गुस्से में एक दूसरे के लिए नफरत लेके खत्म हुई। और शायद ऐसी ही लव स्टोरियां होती हैं जो कहीं ना कहीं प्यार के मायने बदल देती हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कंगना रनावत और ऋतिक रोशन की लव स्टोरी के बारे में। 2013 में जब क्रिश मूवी आई, तब से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। दरअसल लव स्टोरी की शुरुआत उससे पहले से हो चुकी थी और कंगना रनावत को डेट कर रहे थे ऋतिक रोशन। मीडिया की माने तो दोनों की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ रही थी काइट्स मूवी के बाद से, लेकिन कभी भी ये खुल के मीडिया के सामने नहीं आते थे। हालांकि ऋतिक रोशन शादीशुदा थे पहले से, उनकी वाइफ थी सुजैन खान और उनके दो बच्चे भी थे, लेकिन 2013 में क्रिश मूवी करने के बाद से इन दोनों को काफी जगह एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाने लगा और दोनों की नजदीकियों के बारे में हर किसी को खबर हो चुकी थी। हर किसी को यह महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं ऋतिक और कंगना बेहद करीब आ रहे हैं। लेकिन इस लव स्टोरी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरापन था, कोई ऐसी बात थी जो दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और फिर एक दिन वही हुआ, कंगना रनावत ने ओपनली ऋतिक रोशन के बारे में मीडिया के अंदर बोल दिया, जिससे कि ऋतिक का पारा ऊपर चढ़ गया और ऋतिक भी उनके खिलाफ बोलने लगे। ऋतिक ने यहां तक कि इस लव स्टोरी के अंदर केस मुकदमे तक हो गए। ऋतिक रोशन ने साफ सीधे कहा कि कंगना रनावत का दिमाग सही नहीं और उन्होंने मुझे हजारों मेल किए हैं, जबकि कंगना रनावत का कहना था कि ये सारे मेल, 1000 से ऊपर के जो मेल्स दिखा रहे हैं, ये 2 साल से चल रहे थे हमारे। हम दोनों एक दूसरे को मेल्स किया करते थे, और अगर मेल्स की बात है तो जितने मैंने किए उतने ऋतिक ने भी मुझे किए उस टाइम पे। कंगना रनावत ने अपने इंटरव्यू में अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें कह डाली इस प्यार से जुड़ी हुई, कि किस तरीके से ऋतिक ने उनके साथ उनका इस्तेमाल किया, उनसे शादी के वादे किए और आखिर में उनको छोड़ दिया, और यहां तक साबित करने की कोशिश की कि कंगना रनावत का दिमाग खराब है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्यों दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे, क्यों बेहद नजदीकियां बढ़ गई थी, कहीं ना कहीं प्यार था इन दोनों के बीच में। तभी शायद ऐसा कुछ चल रहा था कि ये दोनों चाहते थे कि एक दूसरे से शादी कर लें, और तभी शायद ऋतिक रोशन ने अपनी वाइफ तक को छोड़ दिया था। पर आखिर में जब ये दोनों जुदा हुए एक दूसरे से, तो सिर्फ और सिर्फ दोनों के होंठों पे शिकायतें रह गई। ऋतिक ने मीडिया में अलग बयान दे दिए, कंगना रनावत ने अलग मीडिया में बयान दे दिए। दरअसल जिस टाइम पर ऋतिक कंगना रनावत के साथ रिलेशनशिप में चल रहे थे, उस वक्त पे कंगना रनावत इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन जब उनकी मूवी क्वीन आई तो उस मूवी ने जैसे उनको रातों रात स्टार बना दिया। हालांकि कंगना रनावत एक बेहतरीन एक्ट्रेस है और वो अपने दम पे मूवी को हिट कराने में रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कंगना को अभी कोई ऐसी फिल्म नहीं मिल रही थी जिसके चलते उनका बहुत नाम हो जाए। और ऋतिक का कहना यह था कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकती। दरअसल जब क्वीन मूवी हिट हुई तो ऋतिक रोशन फिर से कंगना के करीब आए। कंगना को उन्होंने कई सारे मेल किए
जिस पे कंगना ने उनसे एक पार्टी के अंदर पूछा कि आपने मुझे इतने सारे मेल किए, शुक्रिया उस मेल का। तो ऋतिक ने चौंक के पूछा कि कौन से मेल, मैंने तो कोई मेल ही नहीं किया। अब ये बात सुन के कंगना का कहीं ना कहीं पारा ऊपर चढ़ गया और उन्होंने सीधे ऋतिक के फादर राकेश रोशन को फोन कर दिया और उनसे कॉल करके कहा कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए, ये मुझे परेशान करता है और मुझे मेल्स करता है। जब ये बात ऋतिक के फादर ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ऋतिक तुमसे मिलना नहीं चाहता और तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। ये सारी बातें खुद कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी कि किस तरीके से उनको मेंटली प्रेशर दिया जा रहा था और सारी चीजें उनके साथ आए दिन हो रही थी। दरअसल होता यही है कि जब हम प्यार में होते हैं ना तो सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। हम वक्त के साथ बहते जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कुछ कहाँ हो रहा है, लेकिन जब चीजें हमारे सामने आती हैं धीरे धीरे करके और चीजें खुलती जाती हैं तो हमें यकीन होता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक वहम था जिसमें हम जी रहे थे, एक झूठ जिसको हम सच करना चाह रहे थे। शायद इन दोनों की किस्मत में कभी मिलना लिखा ही नहीं था। अब कैसा प्यार था और क्यों था ये तो कंगना और ऋतिक ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मीडिया में इनसे जुड़ी कोई ना कोई बातें निकल के आई जाती हैं, क्योंकि कंगना ने अपने इंटरव्यू में ये तक बताया था कि ऋतिक ने उनसे अपने डाइवोर्स की बात की और कहा कि मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा, लेकिन फिर बीच में हालात ऐसे हो गए कि ऋतिक ने साफ मना कर दिया कि मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी और मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। अब शायद दोनों एक दूसरे को पार्टी में देखते हैं तो नजरें चुरा लेते हैं और दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। क्या ऐसा होता है इश्क? क्या इस कदर रूठा होता है इश्क कि जिससे आप मोहब्बत करें उसी को रुसवा कर दें या जिसको प्यार करें उसी को खुद से दूर कर दें? कल दिखाऊंगा आपको एक और दास्तान, सुनाऊंगा आपको उनकी और कहानी। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज मेरे यानी उबैद के साथ। शो चल रहा था अधूरा इश्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।